हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं जॉय फिट फिटनेस स्टूडियो, जो कि है हमारा गुड़गांव में सेक्टर 23 में गाइस। और हम पहले भी यहां पे हमने विजिट किया था। आज हमारे साथ इधर के ओनर मिस्टर अरविंद जी जुड़े हुए हैं गाइस। ये यहां पे लाइक एक फिटनेस ट्रेनर है, मैं कह सकता हूँ। ये यहां पे जुम्बा और हमारा जो लिखा है यहां पे एरोबिक्स, योगा, इन सब की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इनको, अभी मेरी इंटरव्यू से पहले बात हो रही थी इनसे। तो गाइज एक बार मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ अरविंद जी को हमारे चैनल पे लोकल मार्क्स में। ये अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपने फिटनेस स्टूडियो के बारे में कुछ बताएंगे, बाकी इसके बाद हम कुछ लाइव सेशन भी अभी चल रहा है क्लासेस, उसको कवर करेंगे। तो अरविंद भाई, सबसे पहले आपका वेलकम करता हूँ लोकल मार्क्स। हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आपका नाम? एक्चुअली हमारा जॉय फिटनेस स्टूडियो। हाय गाइस, गुड इवनिंग। एक्चुअली हमारा ये 23 मार्केट हुड्डा मार्केट में सेंटर है, एरोबिक्स एंड जुम्बा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे भांगड़ा भी होता है। 6 डेज क्लासेस होती है, मंडे वेनेसडे एंड फ्राइडे, सैटरडे संडे, वेनेसडे ऑफ डेज। अभी हमारा यहाँ पे ये न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। हमारा जो पुराना स्टूडियो है 17 सेक्टर में है और उसको 5 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं। हमारे पास बहुत दूर से क्लाइंट आते हैं और ये सिर्फ ओमेंस है मेन। और यहाँ पे अच्छी एक्सरसाइजेस होती है और लोगों का वेट लॉस भी होता है यहाँ पे, जैसे एरोबिक्स, जुम्बा, भांगड़ा, स्टेन ट्रेनिंग, एरोबिक्स स्टेपर, योगा, डांस परफॉर्मेंस, ये चीज़ें होती है। अगर जैसे यहाँ पे वेट लॉस होता है 1 मंथ में 4 kg, 3 kg मिनिमम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई आता है हमारे पास, पूछता है, यहाँ पे डाइट काउंसलिंग भी होती है हमारे पास। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है, हुड्डा मार्केट। तो अरविंद भाई, आप थोड़ा बताइए कि जैसे हम बात करते हैं जैसे जुम्बा में, एरोबिक्स में, तो इनकी क्लासेस जो होती हैं सेपरेट टाइमिंग्स में रहती हैं, या एग्जांपल जो एक सेशन होता है उसमें सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं? हाँ, एक्चुअली ये ना टाइम टू टाइम होती है। जैसे मॉर्निंग में 6 to 7 एंड 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ये 1 आवर का सेशन होता है। अगर कोई चाहे तो 2 आवर्स भी ले सकता है। और इवनिंग 5 to 6, 6 to 7 और 7 to 8 चलते हैं अभी। तो बैच यहाँ पे 6 बैचेस स्टार्ट है अभी। और इन भाई, आप जैसे फिटनेस स्टूडियो चला रहे हैं, आप खुद भी एक ट्रेनर हैं बेसिकली, जैसा मैंने देखा अभी आप ट्रेनिंग दे रहे थे बच्चों को, तो क्या कहते हैं, आपकी पर्सनल जर्नी कैसी रही? आपको खुद कितना पुराना एक्सपीरियंस है, इस लाइन में कैसे आना हुआ, ये कितना हार्ड रहा आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जहाँ आपका एक मेन मार्केट में, मैं कह सकता हूँ काफ़ी पोस्ट एरिया में आपका एक फिटनेस स्टूडियो है, तो कितना आपने चैलेंजेस को फेस करा जो इस लेवल पे यहाँ पे बैठे हैं हम? एक्चुअली मैं गोवा में था 7 ईयर्स और मैंने गोवा से सर्टिफिकेशन कोर्स किया है और यहाँ पे मेरे को 11 ईयर्स हो चुके हैं गुड़गांव में। तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है एक्चुअली ना चलाना, क्योंकि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को खींच सकते हैं अपने पास और करा सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ वुमेंस का होता है तो हमें इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। जैसे हमारे पास कस्टमर होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं, जो हमारे पास एक बार आते हैं वो एक्चुअली कहीं जाता नहीं है। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स मिनिमम वो हमारे पास ही रहता है जी। तो गाइस, जैसा आपने देखा कि अरविंद जी फिलहाल जुड़े हुए हैं, अभी इनकी क्लासेस भी चल रही हैं अंदर। तो अभी फिलहाल हम एक काम करेंगे, हम किसी एक कस्टमर से आपकी, अब जैसा आप कह रहे हैं, बात करा देंगे हम। इसके बाद एक अभी इनकी कस्टमर से जो हम यहाँ पे आती हैं, जो भी गर्ल्स वगैरह भी आती हैं, अभी किसी को कवर करते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है, कब से यहाँ पे आ रही हैं, उससे कुछ लाइव सेशन कवर करते हैं। तो गाइज, अभी जैसे मैं अरविंद जी के साथ हूँ, यहाँ पे इनका कुछ हमारे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, क्लाइंट्स जो कि यहाँ पे आ रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं रिगार्डिंग जुम्बा एरोबिक्स। तो आइए इनसे बड़ी बात करते हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं, इनको कैसा लगता है यहाँ पे आके, और कैसा एक्सपीरियंस है इनका, और क्या ये दूसरे अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी एडवाइस करते हैं यहाँ पे आने के लिए। तो मैम प्लीज़ आप बताइए, आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ से इट्स अप्रॉक्सीमेटली बीन अ मंथ आई हैव जॉइंड एंड आई हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन माय बॉडी, इन माय हेल्थ, एवरीवेयर। एंड आई गेस आई रिकमेंड अदर पीपल टू जॉइन एंड कम, गिव फोकस टू देयर फिटनेस एंड एंजॉय। आप बताइए मैम, सिंस व्हेन यू कमिंग इन द जॉय फिट फिटनेस एंड हाउ योर एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट चेंजेस यू लाइक फीलिंग, एंड वुड यू लाइक टू एडवाइस टू अदर योर फ्रेंड्स एज वेल? या ऑब्वियसली आई एम कमिंग सिंस 3 मंथ्स, सो इट्स लाइक वी आर वेटिंग टू ओपन दिस प्लेस। इवन व्हेन आई फर्स्ट सॉ दिस लाइक बैनर, सो फर्स्ट कॉल ममता लाइक व्हेन इट विल बी स्टार्टेड, सो लाइक
आई वॉज वेटिंग टू स्टार्ट दिस एंड जॉइन दिस एंड इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो आई एम जस्ट लिविंग हेयर ओनली इन लाइक सेक्टर 33 मार्केट. सो इट्स क्वाइट गुड एक्सपीरियंस. लाइक इन लॉकडाउन वी वेर वेटिंग वेन वी विल जॉइन जिम, बट इट्स क्वाइट टोटली डिफरेंट फ्रॉम लाइक डूइंग जिम. एंड आई लाइक डूइंग डांस. सो इट्स लाइक वाव, लाइक एवरी डे इज नाइस. वर्किंग 8 to 9 hours एंड कम हियर डांसिंग, लाइक इट्स फन. सो आई एम सो हैप्पी. तो आप बताइए मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? आई एम कमिंग फ्रॉम सिंस 25 to 30 days एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड. एंड मैम एंड सर इज़ वेरी अमेजिंग एंड आई फील सो फ्रेश आफ्टर गोइंग फ्रॉम हेयर टू होम. एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई फिटनेस ओवर इट. थैंक्स. तो गाइज आपने देखा, ये कुछ जो कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं, हमने इनसे बात करी और कोशिश करी कि इनका एक्सपीरियंस अब तक हम पहुँचाएँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले. यू शुड ऑल्सो कम. इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जिम. जिम में हम जाते हैं, हमारा मोटिव डिफरेंट रहता है. यहाँ पे हम आते हैं, आई थिंक आई बिलीव आई कैन से डैट एक मेंटल सेटिस्फेक्शन और एक मैं कह सकता हूँ आई बिलीव यहाँ पे जो एक टारगेट रहता है, एक गोल रहता है हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनका. आई थिंक ऑफकोर्स हमें फिट तो रहना है, प्लस में मेंटली आई बिलीव कि इट इज़ मोर. ठीक है, आप लाइव देख सकते हैं, हम लाइव आपको दिखा सकते हैं चीज़ें. तो कवर करेंगे इसके बाद अभी. तो गाइज अभी फिलहाल ये वीडियो हम क्लोज करते हैं. इसके बाद एक अभी नेक्स्ट वीडियो हम कवर करने वाले हैं, कुछ लाइव सेशन कवर करेंगे जिसमें ये लोग कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. तो बाकी कीप सब्सक्राइबिंग लोकल मार्क्स. आप देखते हैं तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एज वेल. बाकी आपने टाइम दिया अरविंद जी, और आपने भी टाइम दिया, उसके लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ हमारी चैनल की तरफ से. थैंक्स गाइज.